ये भारत वर्ष है या जिन्ना का भूत किसी में आया हुआ है यहाँ? ये जिन्ना का भूत वाली बात है ये कि यहाँ पर हम लोग भारत माँ भारत माता को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते। कर रखा है साहब आपने, दो ड्रेस कोड क्यों है? बच्चियों की शिकायत पर मुझे पता चला है कि दो ड्रेस कोड है स्कूलों में और स्कूलों में इस प्रकार का माहौल। कौन पकड़ के लेके आया इसे? बेटियाँ हमारी स्कूल जाएंगी, हिजाब ओढ़ के जा रही है, आपको क्या तकलीफ है? ये हमारी शान है, मुसलमानों की शान है। हम लोग अगर पर्दे में रहना चाह रहे हैं, आपको क्यों परेशानी है? ये गंगा जमुना तहसीब का देश है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं रहे कि आप हमारी मस्जिद में आओ या हमारा कुछ अपनाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर बहन बेटियों के घूंघट और ये हिजाब के ऊपर बात करोगे तो सड़क पे लतिया दिए जाओगे। महाराज जी ये बात याद रखिए। दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ नंद भक्तों पर। दोस्तों इस बाबा को तो आप जानते हो, ये बाबा कुछ दिन पहले नॉन वेज की दुकानें बंद करवा रहा था और अब ये हिजाब बंद करवाने की बात कर रहा है। तो हमारे इस हिंदू भाई ने इस बाबा को कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो क्या जवाब दिया है इस भाई ने, आइए वीडियो में देखते हैं। बने रहे वीडियो में आखिर तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वहाँ ज्ञान के अध्ययन के लिए आते हैं, कोई वहाँ फैशन का कोई काम नहीं है। फिर कल को ये बच्चे अलग अलग ड्रेस में आने चाहिए। तो आपको अगर वो सब अध्ययन करना है, वो सब अध्ययन के लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए मदरसा है और भी कई संस्थान है जहाँ से आपको वहाँ नियम कायदा ड्रेस कोड है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो देश की बहन बेटियों को पर्दा नशी करना चाहते हैं। आज ये हिजाब के ऊपर बात कर रहे हैं, कल को ये बहन बेटियों का जो घूंघट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम के सिर्फ संत आचार्य हैं, बाकी इनकी सोच जो है वो घृणा से भरी हुई है। एक ही बात कहेंगे कि अगर आप हिजाब के ऊपर हाथ डालोगे या देश की बेटियों के घूंघट के ऊपर हाथ डालोगे तो इस देश की जनता आपको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। ये 800 से 900 वोट से जीत के आया हुआ व्यक्ति जो खुद अपनी जीत एकदम, ये समझ लीजिए एकदम रैंडमली इसकी जीत हुई है, एक अचानक वाली जीत इसकी हुई है। ये विधायक क्या, ये आप समझ लीजिए बस का टिकट लेने के लायक नहीं है और ये विधानसभा की टिकट लेके जो चुनाव जीत कर आए हैं। ये आते ही जीतते ही सबसे पहले नॉनवेज की दुकान बंद कराता है, जब दुकान बंद कराता है अगले दिन माफी मांगता हुआ नजर आता है। तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हो बाल मुकुंद आचार्य जी, जो आपको माफी मांगनी पड़े। बात तो सही है। अब आप हिजाब के ऊपर बयान दे रहे हो, मैं देश के तमाम हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ और उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो आज देश की बहन बेटियों के हिजाब को लेकर बयान दे रहा है, कल को ये हमारी हिंदू बहन बेटियों के घूंघट के ऊपर भी बयान देगा। ये हिजाब है क्या आपको पता है? सऊदी दुबई में तो जेंट्स भी पहनते हैं, शेख भी पहनते हैं, जिसको आप लिहाफ कहते हैं। आपको पता है क्यों पहना जाता है? तो पहले इस पे पूरी रिसर्च करो। और इससे आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले अगर पढ़ लिख लिया होता तो इस तरीके के बयानबाजी नहीं करते। गजब बेइज्जती है। एक वो रामदेव है जो कहता है कि मुझे महिला, वो काना पौने दो आंख वाला, वो कहता है मुझे महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती है। और जिस राजस्थान में से इन्होंने ये बात करी है ना आचार्य जी, वहाँ इतना लंबा घूंघट चलता है, किसी स्त्री के घूंघट पे हाथ डाल दिया ना तो याद रखिएगा वो नानी याद दिलाएंगे, वो भगाएंगे कि राजस्थान में बैठने लायक नहीं बचेंगे आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।